मिर्च की खेती काफी खर्चीली खेती मानी जाती है। इसका मुख्य कारण मिर्च की खेती रासायनिक उर्वरक व दवाओं पर किसानों की अत्यधिक निर्भरता है। मिर्च की फसल में खर्च कम करने के लिए किसानों को रासायनिक उर्वरक व दवाओं के संतुलन उपयोग के साथ इनके जैविक विकल्प जैसे कि केंचुआ खाद, नीम खली, गोबर का खाद, हरी खाद, बायोपेस्टिसाइड, नीम तेल आदि का उपयोग भी करना चाहिए। किसान खरपतवार नाशक रसायनों का उपयोग न करके निंदाई गुड़ाई करे तो भी खर्च में कमी आएगी तथा इसका विपरीत दुष्प्रभाव भी फसल पर नहीं पड़ेगा। ये निंदाई गुड़ाई आप मशीनों से भी कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको उत्पादन बढ़ाने के 10 स्टेप। पहला है जिसमें से बीज, प्रमाणित बीज का उपयोग करना। आपका बीज सही होना चाहिए जिसमें पैदावार अच्छी हो और रोग कम लगे, जैसे कि आर का मोहिनी, आर का वसंत, आर का गौरव और आ और इंद्रा। ये जो बीज मैंने अभी आपके लिए बताए उनके लिए मतलब खाने में यूज करते हैं इनका, इन सब्जियों का। इस बीज की मिर्च का उपयोग खाने में ली जा रही सब्जी में होता है। दूसरा पॉइंट है मिर्च की फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मिर्च की फसल ऐसी फसल होती है जो अधिक पानी से सड़ने लगती है। इसमें तीसरा पॉइंट है कार्बेंडाजिंस फफूंदी नाशक से पौधशाला के स्थान को उपचारित करना चाहिए। जिस खेत में पहले से ही मिर्च, सोयाबीन, मूंग या भिंडी की फसल ली जा रही हो उसमें पौधशाला या पौध की रुपाई न करें। पांचवा पॉइंट है पौधशाला के चारों ओर कपड़े या जाली से बाउंड्री बना दें। कपड़े या जाली पर गोमूत्र, नीम का तेल सड़ी छाछ से हर 4 से 5 दिन पर छिड़काव करते रहें। इस सीरीज का छठा पॉइंट है इससे पौधशाला को कई प्रकार के कीटों व जानवरों से बचाया जा सकता है। सातवां पॉइंट है वायरस से ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के परीक्षण के आधार पर करें, इससे आपका पैसा भी बचेगा और अधिक उर्वरक के छिड़काव से होने वाले नुकसान से भी आप बचेंगे। रासायनिक उर्वरकों व दवाइयों का संतुलित मात्रा में उपयोग करें, इसमें जैविक खाद का भी उपयोग करें। और लास्ट 10वां पॉइंट समय पर मिर्ची की तुड़ाई करें।